नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 नवंबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 59 लाख बीपीएल उपभोक्ताओं में 10 लाख के पास स्मार्ट मीटर। सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए 73.4% का मिलेगा अनुदान। मीटर की कार्य प्रणाली में जागरूक करने के लिए अभियान शुरू। स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने निकाली भर्ती। 2619 पदों पर आयुष डॉक्टरों की होगी भर्ती। 1 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन। बिहार भवन पर पहुंचे प्रवासी पक्षी, इनके आगमन से प्रदेश हुआ गुलजार। इनकी मौजूदगी पर्यटकों को कर रही आकर्षित। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने की योजना। बिहार कृषि विश्वविद्यालय कर रहा तैयारी। 14,000 क्विंटल बीज उत्पादन का है लक्ष्य। आरआरबी ने जारी किया नोटिफिकेशन। परीक्षा सामग्री साझा करने वालों को दी चेतावनी। ऐसा करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। बंगाल की खाड़ी में फेंगल तूफान का बिहार पर असर। तापमान में आई गिरावट, जानिए प्रदेश के मौसम का मिजाज। डीसी से अलग होने पर इमोशनल हुए पंत। टीम को अलविदा कहते हुए पोस्ट किया शेयर, कहा रोमांचक रहा सफर। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ट्रेनी इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 48 पदों पर है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 दिसंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट belindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी या बीटेक की डिग्री हासिल की हो। उम्मीदवारों का चयन रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के लिए मासिक टैरिफ का निर्धारण किया जाता है। राज्य में बीपीएल श्रेणी के करीब 59 लाख उपभोक्ताओं में से 10 लाख के पास स्मार्ट मीटर है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के अनुसार राज्य सरकार बीपीएल उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए उनकी बिजली दर में से 73.4% अनुदान देती है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15,343 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के जरिए उपभोक्ताओं को रिचार्ज की सुविधा दी जाती है और बैलेंस कम होने पर उन्हें SMS के जरिए सूचना भेजी जाती है। इसके अलावा उपभोक्ताओं को मीटर की कार्य प्रणाली के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। बिहार सरकार अब बेतिया राज की 15,358 एकड़ से अधिक भूमि पर कब्जा करेगी। इसके लिए मंगलवार को विधेयक विधानमंडल में पेश किया गया, जो ध्वनि मत से पास हो गया है। राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि बेतिया राज की संपत्ति यूपी और बिहार में फैली हुई है, जिन पर भू माफियाओं और अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। अंग्रेजों के जमाने से ये संपत्ति कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत थी, लेकिन अब इस बिल के पास होने से ये भूमि अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई जाएगी। इसके बाद इन पर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज सहित अन्य भवन बनाए जाएंगे। जिन रिहायशी क्षेत्रों में कब्जा है उनके लिए समाहर्ता अधिकारियों के पास दावा पेश करना होगा। बिहारी बातरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे मृदुला सिन्हा के बारे में। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1942 में बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध हिंदी लेखिका और राजनीतिज्ञ थी। इन्होंने 5वां स्तंभ नाम से एक सामाजिक पत्रिका भी निकाला। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक एक थी रानी ऐसी भी की पृष्ठभूमि पर आधारित राजमाता विजय राजे सिंधिया को लेकर एक फिल्म भी बनी थी। ये गोवा की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इनके द्वारा प्रकाशित कृतियों में राजपथ से लोकपथ पर, नई देवयानी, जो मेहंदी को रंग जैसी कई कृतियां शामिल हैं। आयुष डॉक्टरों के पदों पर स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती में कुल 2619 पदों पर आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2024 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2024 होगी। पार्टी में आयुष चिकित्सक आयुर्वेद के 706, होम्योपैथिक चिकित्सक के 502 और यूनानी चिकित्सक के पद शामिल हैं। उम्मीदवारों की आयु 1 अक्टूबर 2024 तक 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता के तहत आयुष डॉक्टर आयुर्वेद, होम्योपैथिक और यूनानी के लिए संबंधित क्षेत्र में BAMS, BHMS और BUMS डिग्री की आवश्यकता है।
आवेदन शुल्क सामान्य और अन्य श्रेणियों के लिए 500 रुपये, महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये और SC ST PWD के लिए 250 रुपये। बिहार में शिक्षकों की हाजिरी के लिए ये शिक्षा पोर्टल तैयार किया गया है, लेकिन इसके कार्य में कुछ विसंगतियां सामने आई हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के विधायक मुकेश कुमार ने सवाल उठाया कि ये सच है क्या कि ये शिक्षा ऐप सही से काम नहीं कर रहा, जिससे शिक्षकों को हाजिरी दर्ज करने में समस्या हो रही है। इसके अलावा उर्दू स्कूल के लिए ऐप में रविवार को छुट्टी दिखाई जाती है, जबकि उर्दू स्कूलों में उस दिन पढ़ाई होती है। शिक्षा मंत्री ने जवाब में कहा है कि ऐप पर 95% हाजिरी सही है और अगर कहीं कोई कमी है तो उसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐप की कमी की वजह से शिक्षक फिजिकल उपस्थिति भी दर्ज करा सकते हैं और वेतन नहीं रोका जाएगा। भारत का संविधान अब मैथिली भाषा में भी उपलब्ध होगा। संविधान निर्माण के 75 साल पूरे होने के मौके पर मंगलवार को मैथिली और संस्कृत में अनुदित संविधान की प्रतियां जारी की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी, विपक्षी नेता राहुल गांधी और दोनों सदनों के स्पीकर भी शामिल थे। इस अवसर पर एक विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। राष्ट्रपति ने संविधान के निर्माण में योगदान देने वालों को नमन किया और कहा कि देश ने पहले 75 वर्षों में महान प्रगति की है, विशेषकर महिला सशक्तिकरण में। इस दौरान संविधान की प्रस्तावना भी सभी सदस्यों से पढ़वाई गई। बिहार कृषि विश्वविद्यालय यानी BAU अब किसानों को उच्च गुणवत्ता वाला बीज उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रहा है। पिछले वर्ष किसानों ने BAU द्वारा मुहैया कराए गए बीज पर विश्वास जताया, जिससे उन्हें बेहतर उपज मिली। इस वर्ष BAU गेहूं, दलहन और तिलहन के बीज उत्पादन में विस्तार करेगा, जिससे बीज की कमी कम होगी। BAU का गेहूँ, सरसों और दलहन का बीज उच्च गुणवत्ता का होता है। कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने बताया कि इस बार 14,000 क्विंटल बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पिछले साल 6,000 क्विंटल बीज तैयार किया गया था। इसके अलावा BAU वैज्ञानिकों की निगरानी में बीज की खेती की जाएगी, ताकि किसानों को सही तरीके से बीज लगाने में मदद मिल सके। सरकार ने 25 नवंबर 2024 को पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी, जिसके तहत 1435 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस परियोजना का उद्देश्य पैन को सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता बनाना है। पैन 2.0 का लक्ष्य टैक्स पेयर्स को एक डिजिटल और पेपरलेस अनुभव प्रदान करना है, जिसमें एक केंद्रीकृत पोर्टल होगा और साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। इस प्रणाली में पैन और टैन सेवाओं का एकीकरण होगा और ये मौजूदा ढांचे का उन्नत रूप होगा। QR कोड के माध्यम से पैन कार्ड से त्वरित सत्यापन संभव होगा। ये परियोजना टैक्स पेयर्स के लिए सेवाओं की दक्षता और पहुँच को बढ़ाएगी। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और सरैया मान पक्षी विहार में अक्टूबर से लेकर मार्च तक प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। ये पक्षी हर साल साइबेरिया से लंबा सफर तय करके यहाँ आते हैं, जहाँ वे शीतकाल में अपने वंश की वृद्धि करते हैं और मार्च तक वापस लौट जाते हैं। इन पक्षियों का मुख्य आहार नदी की मछलियाँ, जलीय जीव और आसपास के खेतों में लगे अनाज होते हैं। इस साल भी नवंबर में साइबेरियन पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है। बेतिया वन प्रमंडल के DFO आतिश कुमार के अनुसार इन पक्षियों के संरक्षण के लिए वन विभाग अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 45 प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों का बसेरा है, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बिहार के खगड़िया में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए श्रम संसाधन विभाग माइक्रो फाइनेंसिंग क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए प्रयास कर रहा है। इसके तहत 29 नवंबर को एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10वीं और इंटर पास युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होंगे। इस कैंप में BSS माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए चयनित युवाओं को 13,000 से 16,500 रुपये तक का वेतन मिलेगा। जॉब कैंप खगड़िया DRCC भवन में आयोजित होगा और इसमें भाग लेने के लिए राष्ट्रीय करियर सर्विस पोर्टल www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज के साथ उपस्थित होना होगा। बिहार में 28 से 30 दिसंबर तक राज्य डाक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5,000 से अधिक डाक टिकट प्रदर्शित होंगे। इस प्रदर्शनी में बिहार की संस्कृति, सभ्यता, प्रसिद्ध व्यक्ति और पर्व त्योहारों से संबंधित टिकटों के अलावे महात्मा गांधी की जीवनी पर आधारित सैकड़ों टिकट भी दिखाए जाएंगे। प्रदर्शनी में 250 साल पुराने से लेकर वर्तमान समय तक के डाक टिकट और विशेष कवर भी होंगे।
इसके अलावा प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें पटना के 200 से अधिक स्कूलों के 5000 बच्चे हिस्सा लेंगे। प्रदर्शनी में विश्व का पहला कागज डाक टिकट और अन्य दुर्लभ टिकट भी प्रदर्शित होंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हालेकर इसका उद्घाटन करेंगे। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई रोमांटिक थ्रिलर वेब सीरीज ये काली काली आंखें 2 में बिहार के गुरमीत चौधरी ने अपने दमदार किरदार गुरु से शानदार एंट्री की है। इस भूमिका के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और 10 किलो वजन घटाया। गुरमीत ने बताया कि निर्देशक सिद्धार्थ सेन गुप्ता के साथ काम करते हुए उन्हें इस भूमिका के लिए कई एक्टिंग वर्कशॉप्स में भाग लेना पड़ा। साथ ही अपनी लंबी बालों को छोटे करवाने को और सख्त डाइट का पालन करने की आवश्यकता थी। सीरीज में उनका किरदार पूर्वा के दोस्त का है, जो उसे सुरक्षित घर वापस लाने की कसम खाता है। इस सीजन में गुरमीत की दमदार एंट्री ने शो में रोमांच बढ़ा दिया है। 1 दिसंबर को अयोध्या से 7 साल बाद भगवान श्री राम की बारात बेनीपट्टी पहुंचेगी। बेनीपट्टी बाजार के विश्व अमरनाथ महादेव मंदिर में एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें 25 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। भगवान श्री राम की बारात 1 दिसंबर को दरभंगा भगवान श्री राम की बारात 1 दिसंबर को दरभंगा जिले के अहिल्या स्थान से बेनीपट्टी पहुंचेगी, जहां बारात का भव्य स्वागत किया जाएगा। बाजार में पुष्प वर्षा रंगोली और तोरण द्वार बनाए जाएंगे। मिथिला की पारंपरिक व्यंजन जैसे तिलकोर खमहा उड़क चूरा दही और मखाना की खीर बारातियों को परोसा जाएगा। भगवान श्री राम की बारात 2 दिसंबर को बासोपट्टी होते हुए हरलाखी प्रखंड के विसौल के लिए प्रस्थान करेगी। इस आयोजन में विभिन्न संगठनों से ने सक्रिय रूप से भाग लिया है। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि रेलवे भर्ती परीक्षा सामग्री साझा करना एक गंभीर अपराध है। ऐसे उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब ट्विटर फेसबुक आदि के माध्यम से परीक्षा सामग्री साझा करते हैं। RRB ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति परीक्षा सामग्री को पूरी तरह से या उसके किसी हिस्से को साझा प्रकाशित प्रसारित या भंडारण करता है तो ये गंभीर कदाचार माना जाएगा और उस व्यक्ति को परीक्षा से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। RRB ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यदि आवश्यकता हुई तो पुलिस को सूचित किया जाएगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विधान परिषद में जानकारी दी है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में जल्द ही 17,023 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें 5,058 पद डॉक्टरों और 11,925 पद टेक्नीशियन और पैरामेडिकल स्टाफ के होंगे। पदों में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी सामान्य चिकित्सक दंत चिकित्सक प्रयोगशाला तकनीशियन फार्मासिस्ट ECG और एक्सरे तकनीशियन ऑपरेशन थिएटर सहायक पैरामेडिक्स जैसे विभिन्न पद शामिल हैं। इसके अलावा मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रधानाध्यापक के 1,711 पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। मंत्री ने यह भी बताया है कि दिव्यांगता जांच की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव भी विचाराधीन। बंगाल की खाड़ी में फेंगल तूफान के दस्तक से प्रदेश के तापमान में गिरावट आई है। मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने वाला है, हालांकि आने वाले 1 या 2 दिनों में कई जगहों पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। पटना के सचिवालय स्थित अधिवेशन भवन में नशा मुक्ति दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने पटना औरंगाबाद गोपालगंज और बांका के जिलाधिकारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक हरिकिशोर सिंह और मनोज तिवारी को भी प्रशस्ति पत्र दिया गया। मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह सफल रही है और इसके लिए सभी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। DGP आलोक कुमार ने बताया कि अब तक 42,924 आपूर्तिकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 13,000 से ज्यादा दूसरे राज्यों के। उन्होंने ये भी बताया कि शराब से होने वाली मौतों को रोकने के लिए स्प्रिट के अवैध कारोबार पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं, क्योंकि बिहार की महिला वोटर खासकर जीविका दीदी उनका अहम वोट बैंक मानी जाती हैं। हालांकि वर्तमान में जीविका दीदी सरकार से नाराज दिख रही हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान हजारों जीविका दीदी पटना पहुंची और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि वे सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करती हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 2,000 रुपये मानदेय मिलता है, जो काफ़ी कम है। अगर उनकी मांग जल्दी पूरी नहीं होती है तो 2025 में नीतीश सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में बैनर के साथ प्रदर्शन हुआ, जिसमें स्मार्ट मीटर लूट बंद करो और स्मार्ट मीटर घोटाला है जैसे नारे थे। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि प्राइवेट कंपनियां राज्य की जनता के साथ घोटाले कर रही है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर बंद किया जाए क्योंकि इससे जनता परेशान है, खासकर गरीबों को भारी बिल और रिचार्ज की समस्या हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में आरक्षण पर तीखी बहस हुई, जिसमें विपक्ष ने वॉकआउट किया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार को आरक्षण की सीमा 65% बहाल करनी चाहिए, जो पहले सर्वे के आधार पर तय हुई थी। बीजेपी नेताओं ने इसका विरोध करते हुए इसे संविधान विरोधी बताया है। इस दौरान तेजस्वी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार कभी केंद्र सरकार से बिहार के विकास के मुद्दे पर बातचीत नहीं करते हैं, जैसे कि बंद चीनी मिल को लेकर फिर से चालू करवाना। पीके ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली में पार्टी के सीट बंटवारे और अन्य मुद्दों पर बैठकें करते हैं, लेकिन बिहार के युवाओं के पलायन को रोकने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार के नेता इसे गर्व की बात मानते हैं कि बिहारी मजदूर दिल्ली मुंबई में काम कर रहे हैं, जबकि वास्तविक गर्व तब होता है जब बिहार के लोग खुद रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। इसके अलावा पीके ने घोषणा की कि उनकी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऋषभ पंत ने दिल्ली कैपिटल्स को अलविदा कहते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। पंत को खरीदने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए की भारी बोली लगाई, जिससे वो आईपीएल ऑक्शन में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। पंत पहले दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे थे और 2016 में आईपीएल में डेब्यू किया था। दिल्ली से अलग होना उनके लिए मुश्किल था क्योंकि ये उनकी शुरुआत थी, लेकिन ऑक्शन से पहले उन्हें रिलीज कर दिया गया। लेकिन इस दौरान उनका सफर काफी रोमांचक रहा। सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी के बीच कड़ी बोली लगी, जिसमें अंत में लखनऊ ने 27 करोड़ रुपये में पंत को अपनी टीम में शामिल कर ली। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को जब सरकार से सुरक्षा नहीं मिली तो उनके एक दोस्त ने विदेश से बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर मंगवाया और 15 दिनों के भीतर उन्हें गिफ्ट दिया। पप्पू यादव ने कहा कि ये गाड़ी सुरक्षा के लिए उनके दोस्त ने भेजी है और अब वे इसे चलते हुए सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने बताया कि गाड़ी बुलेट प्रूफ होने के कारण इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकियां मिली थी, जिसमें कहा गया था कि उनका निधन 24 दिसंबर से पहले होगा। इसके बाद पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन जब सुरक्षा नहीं मिली तो उनके दोस्त ने ये बुलेट प्रूफ गाड़ी भेजी है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1001 में शासक जयपाल को आक्रमणकारी महमूद गजनी ने हराया था। आज के दिन वर्ष 1795 में पहले बांग्ला नाटक का मंचन हुआ था। आज के दिन वर्ष 2004 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष जुआन सोमाविया भारत यात्रा पर आए थे। आज के दिन वर्ष 2008 में छठा वेतन आयोग देने वाला यूपी देश का पहला राज्य बना था। आज के दिन वर्ष 1952 में बप्पी लहरी का जन्म हुआ था। ये एक प्रसिद्ध भारतीय गायक और संगीतकार थे। आज के दिन वर्ष 1881 में काशी प्रसाद जायसवाल का जन्म हुआ था। ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। आज के दिन वर्ष 1907 में हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था, जो कि एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। पीएम कुसुम योजना के नाम पर कई लोगों को एक लेटर प्राप्त हुआ है, जिसमें 8000 रजिस्ट्रेशन फी की बात कही जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये लेटर पूरी तरह से फर्जी है। इस तरह की खबरों पर ध्यान देने से बचें। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए फर्जी बताया है। हम आपसे प्रतिदिन 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में मध्य प्रदेश के 32वें डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है सुधीर सक्सेना, ऑप्शन बी है कैलाश मकवाना, ऑप्शन सी है दलबीर चौधरी, ऑप्शन डी है अजय बिष्ट। इसका सही उत्तर है कैलाश मकवाना। हाल ही में हज सुविधा ऐप 2.0 का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी है चिराग पासवान, ऑप्शन सी है जयंत चौधरी, ऑप्शन डी है किरेन रिजिजू। इसका सही उत्तर है किरेन रिजिजू। वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी यानी NES सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है मिजोरम,
ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है सिक्किम, इसका सही उत्तर है गोवा। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1979, ऑप्शन डी 1985, इसका सही उत्तर 1982। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है नारायण कुमार, धर्मेंद्र चौहान, सपना कुमारी, प्रमीला कुमारी, आलोक प्रियदर्शी, कुश कुमार यादव, वेद प्रकाश सिंह, नौशाद, रजा, जितेंद्र ठाकुर, राजेश मांझी, राजेश राम, बाबूदास, रवि कुमार राज, सानवी गुप्ता, बाबूलाल मरांडी, रवि मोहन वर्मा, मोहम्मद साकिर हुसैन, अनवर करीम खान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपने ऐसा करियर चुना है जो आपकी पसंद से अलग है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, फेसबुक देखना तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।